शादी एक ऐसा टाइम पे जिस पे लोग सेलिब्रिटी बन जाते हैं, सब लोग आसपास से फोटो खींचते हैं। हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी तो देखो मैं डाकू बन के जा रहा हूँ। मैं और मनीष बन चुके हैं डाकू। तो आज गज जा रहा हूँ मैं अपने शादी में जा रहा हूँ, मतलब कहीं पे दूर मामा जी के यहाँ पे आसपास वहीं पे शादी में जा रहा हूँ। तो हल्फिलहाल तो धूप में जा रहे हैं हम लोग, बिकॉज एक रीज़न है जिसकी वजह से हमको पैदल जाना पड़ रहा है। फाइनली गाइस बाजार आ चुके हैं। तो ये बाजार है, तभी तभी हमको और जाना है, पुल की उस साइड जाना है, ब्रिज की उस साइड। इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है कि देखो नीचे तो परछाई आ रही है ना, तो देखो बिल्कुल खड़ी है, बिल्कुल खड़ी हुई परछाई है। इतनी खतरनाक परछाई पड़ रही है, क्या बताऊँ मैं आपको। और धूप तो काफ़ी पड़ रही है, चेहरा बांध के जा रहा हूँ अभी भी मैं। सो गाइस, नानी मिल चुकी है। नानी नमस्ते। व्हीकल में आ चुका हूँ, जीप में जा रहा हूँ बैठ के। काफ़ी सालों बाद जीप बैठ के जा रहा हूँ। लास्ट टाइम पबजी में जीप चलाई थी USB, उसके बाद अभी बैठ के चला रहा हूँ। मतलब स्टीयरिंग का तो पूरा खोपड़ा, पूरी चर्बी फरवी सब निकाल दी है। देखो शेड्यूल देखो, मतलब भाई साहब बहुत खतरनाक ही जीप है। देखो पूरी जुगाड़ से बनी हुई है, काफ़ी चल गई है ना, दैट्स व्हाई। और देखो गाड़ी चलेगी, आगे कट्टा रखा है। फाइनली गाइस आ चुके हैं अब मामा जी के यहाँ पर सांखनी में। तो अभी धीरे धीरे पहुँचने वाले हैं घर पे। मैं नानी मनीष जा रहे हैं पैदल पैदल, तो भी चलते हैं। और ये नानी बैठी हैं, ये बैठा है मनीष, अरे मतलब मेरे पीछे। ये देखो ये बैठा है आसरा है। तो फाइनली हम आ चुके हैं, तो हमारा भी स्वागत होने वाला है, मतलब हो चुका है। मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई थी, बढ़िया मस्त तरीके से स्वागत हुआ, पानी पिलाया और मनीष क्या हुआ, और खाने के लिए इन्वाइट किया, लेकिन हमने अभी इग्नोर कर दिया बिकॉज पेट भरा हुआ है। अच्छा, सो भैया और मम्मी पापा भी आ चुके हैं, तो चलिए उधर चलते हैं भैया मम्मी के पास। ये चिल्लर पार्टी शाबाश। सो गाइस, मैं आज कहूँगा अभी खेत में, मतलब खेत नहीं है, साइड में जिसे घोड़ा कहते हैं अपनी अपनी मतलब गांव की भाषा में, मतलब अपना प्लॉट वगैरह, मतलब जहाँ पे घूरा वगैरह डला होता है, मतलब खेत वगैरह होते हैं। तो देखो यहाँ पे टेंट लग रहा है, भैया की शादी है ना आज। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड 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 गुड, वेरी नाइस। तो देखो गाइस क्या बढ़िया तरीके से, मतलब देख रहे हो हवा काफ़ी चल रही है, खेत में टेंट लग रहा है, बिल्कुल मस्त। श्याम श्याम देखियो, कितनी सारी भीड़ होगी यहाँ पे, माता पूरी है दो शादियों की, तो काफी सारी भीड़ होगी। एक उधर से माता आई है, एक इधर से, मतलब हमारी साइड। अभी तो हमारे मामा जी की भी नहीं आई है, अभी तो मामा जी की लड़की की, उधर लड़के की आई है, सिर्फ लड़की की भी आएगी। तो गाइस माता पहुंच गई है, अब जा रहे हैं घर पे। तो गाइस अभी देखो भैया की, अभी भैया की माता पहुंच चुकी है, अब दीदी की जा रही है शादियों में। गाइस ये देखो कहाँ से आ गई बकरियाँ, बकरे शादियों में बहुत सारे हैं, देखो कितने पीछे से आ रहे हैं। आफ्टर ऑल अब खाना खाते हैं, बिकॉज शादी तो बहुत टाइम में है, तो खाना बहुत ध्यान में मिलेगा। तुम्हारा मरीज देखो कैसे बैठा है तो लेट्स हैव, बिकॉज काफ़ी टाइम बाद खाना मिलेगा, तो खा लेते हैं, जब तक तो भूख तो काफ़ी लग रही है ना, दैट्स व्हाई। सुबह से नहीं खाया है, मतलब एक टाइम खाया था सुबह, तब से नहीं खाया है। बस खाना खा के अब लोग आया था फोन को चाय पे। सुबह से अभी हो चुकी है शाम काफ़ी ज़्यादा, तो खाना खाने का टाइम आ चुका है, दैट्स व्हाई खाना को ट्रांसफर किया जा रहा है उधर की साइड। तो देखो काफ़ी सारे लोग ले भी जा रहे हैं, देखो अभी धीरे धीरे ले जाएंगे, पूरे खाने को उधर ही रेफर किया जाएगा थोड़े टाइम में। तो आपके अंडर में क्या क्या है, क्या क्या है इसमें, सब सब कुछ बोलो तो। तो गाइस जिया जी के अंडर में सब कुछ है, देख सकते हैं। ये गाइस भतौर, भतौर बोलते हैं ना, भतौर बोलते हैं, भतौर भतौर। खाना भी स्टार्ट हो चुका है, गांव के दो चार लोग खा रहे हैं, मतलब 10-12 लोग खा रहे हैं, मतलब दो चार तो नहीं। गाइस अभी जा रहा हूँ मैं कपड़े चेंज करने, कपड़े चेंज करके आता हूँ, बिकॉज अभी मैं लॉन्ग टी शर्ट पहने हुए यार। गाइस ये पोपट हो गया, मैं ये देखो मतलब घर से आया था तो बेल्ट नहीं ला पाया अपने वाला, ये बच्चों वाला बेल्ट है, मतलब जो लोअर में प्रेफर करता हूँ, लोअर में लगाता हूँ उसको, बट पैंट के लिए मैं बेल्ट नहीं ला पाया अपना ब्लैक वाला। तो देखो इसको लगा के मेरे को जीना पड़ रहा है, बट कोई ना शर्ट ऐसे आउट कर लूँगा, टक आउट तो दिखेगी नहीं ना ऐसे, देखो अब ठीक है काफ़ी, दैट्स गुड। ये लड़कों का गाइस टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिससे बच जाते हैं। सो गाइस फाइनली मैंने कपड़े तो पहन लिए हैं, बट एक प्रॉब्लम हो गई है, बिकॉज लाइट चली गई सारी, देखो लाइट चली गई शादी के एरिया में, लाइट चली गई है, देखो लाइट चली गई सारी एरिया की, ये देखो अंधेरा अंधेरा फैल गया चारों तरफ, ये देखो। बट गाइस अभी जनरेटर से लाइट चला देंगे तो पूरी जगह उजाला हो जाएगा, डोंट वरी, देयर इज टू मच प्रॉब्लम्स बट टू मच ऑल्सो सॉल्यूशंस। बट गाइस काफ़ी टाइम बाद लाइट भी आ चुकी है। तो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं पांडाल में, मतलब ये पीछे टेंट लगा हुआ है, तो पीछे स्टेज है। तो अभी गाइस भैया का फलदान चढ़ेगा कुछ टाइम बाद, फलदान वाले भी आ चुके हैं,
तो साइड में बैठे हैं देखो, तो थोड़े टाइम में कुछ फसला चढ़ जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो परंपरागत प्लेट जिसमें मेहमानों के लिए सब कुछ लाया जाता है, बीड़ी मतलब एज यू नो बीड़ी गुटखा चैनी सब कुछ, सब कुछ सब कुछ मिलेगा आपको, चरस गाना सब कुछ जिसको जो करना है वो सब कुछ। जी दिखाइए क्या क्या इसमें जी। ऐसा नहीं कि कोई इसे लेता नहीं है, सबकी डिमांड होती है, मैं भी लेता हूँ बट मैं इसको लेता हूँ, इससे मुंह थोड़ा सही हो जाता है, दैट्स व्हाई। इसमें नाश्ता आई थिंक बिस्किट है, नाश्ता है, नाश्ता ले जा रहे हैं इस फलदान वालों के लिए, बिकॉज वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए उनको संतुष्ट करने के लिए हम नाश्ता ले जा रहे हैं, तो खिलाएंगे पिलाएंगे। किसको देंगे अभी? दो मिनट बाद बच्चे बोल रहे हैं मुझे दे दे पीछे भी ला रहे हैं, नाइस ले चलो लेट्स गो। तो नाश्ता बांट के मैं आ चुका हूँ, देखो सामने बैठे हैं सब लोग, तो सबको बांट बांट के आ चुका हूँ, कुछ नहीं मैं उनको खाता देख, मैं देख नहीं सकता साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सुबह से अभी बैठ रहा हूँ मैं खाना खाने, उसका भूख भी लग रही है तो खाना खा लेता हूँ पहले, तब उसके बाद काम करेंगे। सुबह से खाना खा के आ चुका हूँ और अभी बैठ के ये फोन चला रहा था, तो ये गबड़ू जवान मिल गया, तो गबड़ू जवान थोड़ी बहुत परस करा लेते हैं, बिकॉज अब परस मैंने कराई नहीं है, परस करना जरूरी है, ये परंपरा है, परस तो करानी पड़ती है एक बार। बहुत परेशान हो रहे हैं कि वीडियो क्यों नहीं बना रहे, बना तो रहा हूँ, सोनू भैया सच बहुत परेशान हो रहे हैं कि कह रहे हैं कि वीडियो क्यों नहीं बना रहा, तो मैंने सोचा एक शॉट ले लूँ उनके साथ, तो सारे फलदान वालों को खाना खिला दिया है, ये देखो भैया ने वो परस कराई है बहुत ज़्यादा, तो सारे फलदान वालों को हमने साइड में लगा दिया, अब भैया का फलदान चढ़ेगा कुछ टाइम बाद भाई। हाँ देखो लगे हुए कितना मामा जी हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं, देखो ये मामा जी हैं, इनके लड़के की शादी है, जल्दी जल्दी करो यार। कितना छोटा पर्स कर रहा है, हेलो हेलो गाइस, इसका नाम है गबड़ू जवान यानी कि रणवीर, इन जैसे लोग नल्ले छबरी बेरोजगार लोग दो दो बार खाना खाते हैं, और किसके चक्कर में खाते हैं, मटर पनीर के चक्कर में खाते हैं देखो मटर पनीर, देखो दूसरी बार खाना खा रहा है, कितनी पहले खाना खा लिया इसने, इसका नाम है नल्ले बेरोजगार रणवीर, दिखाओ ना फेस, देखो गाइस फेस नहीं दिखा रहा है, मैं आपको कभी और कभी दिखाऊंगा इसी ब्लॉग में, ये है रणवीर नल्ला बेरोजगार, देखो गाइस पनीर बोल रहा है, पनीर लाओ पनीर, पनीर खाएगा पनीर, इसको पनीर खाना है, देखो इसमें भी पनीर है, इसमें भी पनीर है, साले सब समझ रहा हूँ तेरी साजिश। गाइस मजाक से हट गए, अब साउंड को करा दिया बंद, बिकॉज फलदान चलने वाला है। गाइस कोल्ड ड्रिंक बांट रहा है बेटा सतेंद्र ब्रो, है सतेंद्र, ये तो रोहित आई थी, राहुल फलदान वाले साले की सारी पी गए, हमको हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, सारी पी। सोएस भैया का अब चलने जा रहा है फलदान, देखो भैया कितने खतरनाक तरीके से खाना खा रहे हैं, अगर कोई खाना दे भी नहीं रहा होगा ना तो बंदूक दे खाना दे देगा सतह से, देखो वाह क्या ये बढ़िया टेक्निक है, मतलब बंदूक लेके खाना खाओ एवरी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, नाइस। तो खाना खा रहे हैं मामा भैया और वही मामा, शादी एक ऐसा टाइम पर जिस पर लोग सेलिब्रिटी बन जाते हैं, सब लोग आसपास से फोटो खींचते हैं, देखो ये खींच रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग फोटो खींचते हैं शादी के टाइम पर। 21,000 पूरे खरीदे लिए कपड़ा और मेवा और गाड़ी, कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी, स्प्लेंडर, धीरे धीरे फलदान चढ़ चुका है, तो धीरे धीरे सामान उठा रहे हैं, देखो तो सामान सारा उठा ले, मैं सोच रहा हूँ इस गाड़ी को ले जाऊँ यार, मतलब वैल्यू बढ़ेगी थोड़ी बहुत, गाड़ी ले जाने का मन कर रहा है मेरा, मस्त प्लान है।
मनीष है, इसके भाई की शादी है, बट क्या करे, काम से दूर मजबूर है, बहुत काम कर रहा है। देखो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, अभी फ्री हुआ है बस। मनीष मनीष हाई फाई कर दे यार एक। हाय मनीष, हाय हेलो। ऐसे परंपरागत शादी है जिसमें ऐसे डांस किया जाता है, सब लोग मिलकर ऐसे। खाना वाना सब कुछ हो गया, सबने डांस कर लिया। ये देखो इधर आपको मैं क्लिप बताता हूँ भाई, बच्चे क्या ही मस्त सो रहे हैं। ये देखो मतलब अंदर तक सो रहे हैं भाई, कितना क्लिप बना लिया अंदर तक, वाह पीछे तक। ये देखो भाई कितना अंदर तक बना लिया है। सो फाइनली गाइस काफ़ी सारा मजे कर लिए, साथ में खूब डांस किया, जबकि आप मेरे बाल देख ही सकते हैं कैसे उजड़े हुए हैं बिल्कुल। आई होप गाइस आपको आज का ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया लाइक कर देना और चैनल तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तो ब्लॉग में। और गाइस मैं अभी इसलिए मैंने इसके ब्लॉग डाला हूँ, अभी शादी चल रही है ना, तो मैं शादी में आया हूँ, दैट्स व्हाई। तो मिलते हैं तो ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।